आकार है, कृपा का समुद्र है, वो स्वानुभूति से देख सकते हैं। इसलिए सृष्टि से प्रत्यक्ष दे सकते हैं, शास्त्र में विचार से देख सकते हैं, सिद्धि में अनुभूति से देख सकते हैं। तो भगवान की कृपा तो समस्त शास्त्रों का आधार है। भगवान की कृपा कैसी हो सकती है? भगवान की कृपा में तीन गुण है, क्षमा, अनुग्रह, निग्रह। जो कुछ गलत किया उसको माफ करना तो जानते हैं आप, क्षमा। उसको अच्छा बढ़ाने के लिए कुछ आशीर्वाद देना, प्रवर्षण देना, उसको अनुग्रह। उसको दंड देना, निराकरण करना तो निग्रह है। सब लोग उनके बारे में तो क्षमा मांगते हैं, दूसरे के बारे में तो दंड का इंतजार करते हैं। यदि अगर गलती करेगा तो वो क्या करते हैं, भगवान हमको क्षमा करना चाहिए। और वही गलती दूसरे आदमी करेंगे तो अरे भगवान नहीं है क्या दुनिया में, उनको दंड नहीं दिया आज तक। इसलिए भगवान के पास ये तीन शक्ति है, आगे बढ़ाने के लिए। बढ़ाने की शक्ति अनुग्रह है, पाप कर्मा जो है उसको रुकने के लिए निग्रह है, और जो पाप कर्मी है उनको दूसरा एक संदर्भ देने के लिए क्षमा है। यदि एक पापात्मा है, पुण्यात्मा बनाना चाहते हैं, उनको दूसरा संदर्भ मिलेगा, वो संदर्भ तो क्षमा है। इसलिए दूसरा संदर्भ को क्षमा बोलते हैं, आगे बढ़ाने के लिए अनुग्रह बोलते हैं। जो पाप कर्म उनको पाप कर्मों का रोकने के लिए, निरोध के लिए जो शक्ति उसको निग्रह बोलते हैं। यह सब समझने के लिए शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। भगवान ने क्या किया, सब लोगों को शास्त्र नहीं दिया। यदि आप घर में 10 लोग हैं, यदि आप घर छोड़ के जाते हैं, सब लोगों के पास विश्वास करके नहीं देंगे। वो सब लोगों में जो कुछ बुद्धियुक्त है, जो उम्र में बड़े हैं, जो कुछ प्रयुक्त है, वो आदमी के पास चाबी दे के आप बाहर जाएंगे। ऐसा भगवान ने क्या किया, जो संस्कृत है, संस्कृत मैंने जन्म संस्कृत, क्रिया संस्कृत, गुण संस्कृत, ऐसा तीन बार, तीन प्रकार का आदमी है। जो जन्म से संस्कृत, परंपरा से, जो क्रिया से संस्कृत, और गुण से जो संस्कृत, उनके पास भगवान ने वो शास्त्र को दिखा के उनके पास देखे, तुम जो जो असंस्कृत लोग हैं उनका उद्धार के लिए, कल्याण के लिए काम करो, ऐसा देखे छोड़ के भगवान चल जाएगा। इसलिए जो जो ऐसा असंस्कृत लोग है, नहीं तो अल्प संस्कृत लोग है, उन सबका उद्धार के लिए भगवान ये शास्त्र सबका हाथ में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि शास्त्र का आवागमन, अनुष्ठान और प्रयोग वो लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने पक्षपाती नहीं है, पारपक्ष नहीं तो वैषम्य उनके पास नहीं है। 1000 आदमी में 5 आदमी को भगवान ने दिए और सबको नहीं दिए, ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इतना शरीर में हमारा इंद्रिय और शरीर में साधन है, सिर्फ ये मुँह से खाते हैं और पेट को चल जाता है और बाकी को लिए किस भी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है आँखों की खाना अलग है और खान में कुछ खाना डालना और नाके लिए अलग डालना, ऐसा नहीं है। वो तो पक्षपात नहीं है, एक ही स्थान स्वीकार कर लिया यहाँ है, और एक ही स्थान इसका प्रतिष्ठापन और इसका विनियोग के लिए एक ही स्थान है, है? इसका नियोग स्थान यहाँ है, विनियोग स्थान तो यहाँ है। यहाँ पहुँचने से सब शरीर में जितने नाड़ी है, जितने सूक्ष्म नाड़ी है, जितने रक्त नाड़ है, सबके ऊपर वो चल जाएगा सबके अंदर। वैसा ही एक ऋषि, नहीं तो ये शास्त्र अधिकारी, एक सदात्मा, एक महान के पास जाने से वो तो मुँह और पेट के जो आकार सब जगह में विनियोग हो जाता है, वैसा भी वो ज्ञान का विनियोग वहाँ से हो सकता है। इसलिए ये अब समझना चाहिए कि भगवान ये शास्त्र को सब लोगों को दिए हैं, लेकिन एक आदमी को अधिकार देके उनसे सब लोगों का कल्याण के लिए भगवान ने दिया है। इसलिए योग शास्त्र में आप जानना चाहिए, योग शास्त्र ने भगवान आपका कल्याण के लिए दिया है। यदि योग शास्त्र नहीं तो मनुष्य और जानवर ये दोनों का फर्क नहीं देख सकते कभी भी। मनुष्य में मनुष्यत्व प्राप्त होने के लिए और मनुष्य में मृग गुणों से विमुक्ति होने के लिए, मनुष्य का अंतर्गत दिव्य आत्मस्वरूप का विकास के लिए और मानव सब मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो योग का ज्ञान दुनिया के लिए बहुत अत्यावश्यक है। आदमी होने के लिए योग का अभ्यास तो बहुत अलग है, नहीं तो वो तो जानवर जैसा हो जाएगा। इसलिए योग का प्रदान तो साक्षात भगवान हमारा उद्धार के लिए दिए है, वो तो वो क्षमा का लक्षण है। इसलिए अभी हम ये बोलना चाहते हैं, कार्याकार्य व्यवस्था ज्ञान। क्या बोलते हैं? कार्याकार्य व्यवस्था ज्ञान। हम कुछ न कुछ करके देखते हैं, वो आग को स्पर्श करने से दहन होगा, ऐसा कुछ न कुछ करके हम समझते हैं, तो करने के बिना हम नहीं जानते। और बहुत कुछ करते हैं लेकिन सूक्ष्म रूप में जो होगा उसका स्थूल भाव हम नहीं समझ सकते। इसलिए जो करना है जो नहीं करना है वो सब दूरदृष्टि और ज्ञान दृष्टि होना चाहिए, वो दृष्टि शास्त्र की दृष्टि ही है। इसलिए कार्य व्यवस्था बोलते हैं।
और कार्य कर व्यवस्था सब लोगों को नहीं मिलेगा। इसको शास्त्र में एक बोलते हैं, वो बहुत हसनीय विषय भी है, इसको आदि आश्रयन, मध्याश्रयन और अंताश्रयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आध्याश्रयन, मध्याश्रयन, अंताश्रयन। जो प्रारंभ से सुसंस्कृत है वो लोग आदि से ही योग और वेदांत के मार्ग में ही आ जाएंगे। जो बहुत अनुग्रह पात्र भूत है वो पहले से ही योग मार्ग में आ जाएंगे। बाकी लोग कुछ दूर यहाँ वहाँ घूम के, अभी हमारा भारत लोग है ना, जो हमारा भारत में संत लोग हैं वो तो आदि आश्रित है। क्या नाम है? आदि आश्रित। और जो कुछ लोग हैं अभी भारत में, बहुत लोग हैं, वो बहुत यहाँ वहाँ घूम के अभी योग मार्ग में आ रहे हैं, वो तो मध्याश्रित है। और विदेश में रहने वाले तो सब जगह में घूम के निर्गति जब होते हैं यहाँ ही आना चाहिए, वो तो अंतिम आश्रित है। इसलिए हमारी ऋषि परंपरा आद्याश्रयन परंपरा है, और हमारा मानव भारतीय परंपरा तो मध्याश्रयन परंपरा है। और भारत छोड़ के बाकी सब देश में अभी मलेशिया में योग का अभ्यास के लिए उन्हें प्रारंभ किए हैं। और बहुत लोग मुसलमान लोग वहाँ मिडिल ईस्ट से, जो वो दूर दूर प्राग देश से, बहुत वो तो मुसलमान है जो सब बहुत अभिनिवेश ग्रस्त है, जो अध्यवसाय ग्रस्त है, वो लोग इसको बहुत निराकार किए हैं, बहुत झगड़ा किए हैं। योग का अभ्यास तो भारतीय कलाचार है और हमारा तुरुष का आचार में, इस्लाम का आचार में वो नहीं है, इसलिए उसको मना करना है। ये सब बहुत उन्हें उसका प्रकटन किए हैं। और सब कुछ विचार करके वहाँ जो मुसलमान है वो ही ऐसा बताए कि वो सब करने से हमको शांति मिल रही है, वो सब करने से हमारी कर्म शक्ति बढ़ रही है, इसलिए हम करना चाहिए। इसलिए बहुत कुछ सोच के वहाँ का न्यायालय में भी वो जाके बहुत विचारों के बाद ये उससे निर्णय हुआ है कि योगाभ्यास तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन वो देवता का आराधन, मंत्रों का उच्चारण, नहीं तो वो चित्र का पूजा, वो सब छोड़ के केवल वो अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा न्यायालय का अभी निरूपण हो चुका है, अभी 6 महीने के पहले। इसलिए अंतिम आश्रयन में सब लोग, जो कुछ भी हो उनकी संस्कृति और उनका आचार, ये सब कहाँ आना चाहिए? यहाँ ही आना चाहिए। इसलिए योग आचार में, शास्त्र परंपरा में हम बहुत कुछ प्राप्त किए। शास्त्र परंपरा मैंने क्या, भगवान ने सब हमारा अनुग्रह ये भूमि के ऊपर रखा है। धातु, सब धातु कहाँ रखा हुआ है? भूमि। भूमि में जो रखा हुआ है वो सब कहाँ रुका हुआ है? वो सब भूमि का गर्भ से, वो स्थावर में, और वहां से माँ का दूध का रूप में बच्चे लोगों को होता है, फिर माँ खाना बना के भी खिलाती है। इसलिए उसको शास्त्र में बोलते हैं वसुमती। वसुमती मैंने भूमि, और ऊर्जस्वती बोलेंगे तो वो स्थावर, और पयस्वती नहीं तो प्रजावती तो माताजी, ऐसा हमको मिलता है। इसलिए शास्त्र भी ऐसा है, जैसा सब शक्ति भूमि को आके, भूमि से स्थावरों के आके, स्थावरों से हमारी शरीर में स्तनपान का रूप में आके, फिर खाना विभिन्न रूप में जैसे आता है, वैसा ज्ञान भी आधार से आता है, आर्ष पद्धति से आता है, आचार्य पद्धति से आता है। और वेद से जो ज्ञान मिलता है उसको आधार ज्ञान बोलते हैं, और ऋषि जो उनके धर्मशास्त्र में जो मिलता है उसको आर्ष ज्ञान बोलते हैं, वो भी बहुत कठिन है। और हमारा आचार्य के साक्षात सन्निधि में जो मिलता है उसको हम बोलते हैं आचार्य ज्ञान। इसलिए आधार ज्ञान हमको प्रयोजन नहीं है, और आर्ष ज्ञान भी प्रयोजन नहीं है, अभी तो आचार्य ज्ञान से सब कुछ हमको मिलेगा। वो पद्धति तो अभी बहुत उपलब्ध है, 200 साल के पहले आप योग शास्त्र का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, वो तो विभिन्न भाषा में, प्रादेशिक भाषा में नहीं थी वो विद्या, और बोलने वाले नहीं थे, सब लोग ये गूढ़ रहस्य मर्म ये सब बोल के दूर, सब लोगों को दूर निकाल देते। इसलिए अभी तो बहुत सामीप वो आके अभी देख रहे हैं, हाँ अभी आपको पूछ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं नहीं, पहले तो यदि शिष्य जाके पूछेगा भी वो बोलने वाले नहीं थे, अभी तो खुद वो स्वयं आके ये पढ़िए वो पढ़िए वो अच्छा है, नहीं तो विद्या मर जाएगी, हम मर जाते हैं, ऐसा कुछ बोल के बहुत लोग घूमते रहते हैं। अभी तो इसके पहला युग में